हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स जो 2020 और 21 में बोर्ड का एग्ज़ाम जो मई और जून में संभावना है, जो जून की डेट आई है, तो उन सब स्टूडेंट्स का इस मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले एक या दो साल से जो एग्ज़ाम का पैटर्न था जिसमें ऑब्जेक्टिव और फुल लेंथ के क्वेश्चन आते थे, तो वो एक पैटर्न इस बार फिर चेंज हो गया है। और उसमें क्या रूल्स बनाए हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है सुंदरम सर क्लासेस को अभी तक अगर आपने पिछले 8-9 महीने से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पॉलिटेक्निक के वो सारे स्टूडेंट्स और बीटेक के भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करें, जिससे कि आपके समय समय पर, और बेल आइकन के साथ करें जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें हम तो वो आपको समय पर उसकी सूचना ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके साथ मैं अब बताना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल प्योरली इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स और फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स और इन सब सब्जेक्टों को इनकॉर्पोरेट करता है। यानी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में फिलहाल थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सर्किट थ्योरी, यही दोनों सब्जेक्ट बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी आपको वीडियोस इसमें समय समय पर अपलोड मैं करता जा रहा हूँ। और आप लोगों का जो प्यार मिला है पिछले 7-8 महीनों में कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, उससे मेरे मन को बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह से आपका प्यार, आपके लाइक, कमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे तो मेरा जो 27-28 साल का अनुभव है उसके साथ में आपको खूब सारे वीडियोज़ देता रहूँगा। तो जल्दी हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। यह है पॉलिटेक्निक 2020-21 एग्ज़ाम पैटर्न। पिछले दो सालों से जो एग्ज़ाम का पैटर्न था कि 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन अटेंड करने जो 10-10 मार्क्स के थे, 40 30 ऑब्जेक्टिव के और 40 किसके सब्जेक्टिव यानी डिटेल क्वेश्चन थे, उनको मिलाकर 70 नंबर का पेपर हुआ करता था। इस बार कोविड के दौरान जब बाद में लॉकडाउन ओपन हुआ है और उसके बाद बोर्ड ने फिर ये डिसाइड किया है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 30 आते थे वो नहीं आएंगे, और ये एग्ज़ाम पैटर्न इस साल का पिछले दो साल पहले से सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से, फुल लेंथ क्वेश्चन से है ना, और डिटेल क्वेश्चन है वही आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगता हो जिसमें वो मार्क्स लाते हो टिक करके, और लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे कहते हो सर ऑब्जेक्टिव से हमारे परसेंटेज कम हो जाते हैं, तो हो सकता है कि ये सब सूचनाएं बोर्ड तक पहुंची हो और बोर्ड ने फिर उसी पैटर्न को लागू कर दिया है कि सिर्फ डिटेल क्वेश्चन ही आएंगे। तो जहां तक संभावना है कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2-2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, और मिलाकर टोटल 70 नंबर का पेपर होगा। तो पेपर का डिटेल जैसे ही आएगा मैं आपको फिर इस वीडियो के थ्रू करूंगा। अभी आप ये समझिए कि इस साल 2020 और 2021 में राजस्थान के पॉलिटेक्निक के जितने ब्रांचेस हैं उन सब में इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए अब आप फिर उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत डिटेल में कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि बोर्ड के ने जो मॉडल क्वेश्चंस और पुराने पेपर्स का भी लिंक डाल रखा है, वो भी मैं लिंक किसी वीडियो में आपको शेयर कर लूँगा, उस पर आ जाइए, क्वेश्चन पेपर निकालिए और पढ़ाई कीजिएगा। और साथ साथ में मेरे अपने जो कंट्रोल सिस्टम के, सर्किट के, मैकेनिक्स के और इन सब के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स आप देखिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस में कोई डाउट हो तो वीडियोस के